नमस्कार, इस समय मौजूद हैं करनाल के अपोलो इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित एनुअल फेट में, जहां पर आज जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, चाहे खाने के स्टॉल्स हों, चाहे गेम्स के हों, चाहे बच्चों के मनोरंजन के लिए हो, काफी सारे स्टॉल्स यहाँ पर आज लगाए गए हैं जो कि स्कूल की तरफ से ही लगाए गए हैं। उन्हीं में से एक स्टॉल इस समय हम आज मैगी के स्टॉल में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ स्कूल से मैम यहाँ पर हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज आप एनुअल फेट के बारे में और कैसे कैसे स्टॉल्स लगे और आपका स्टॉल किस चीज़? गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू AIS। मैंने मैगी का स्टॉल लगाया है यहाँ पर, तो यम्मी मैगी सबकी फेवरेट ही होती है वो, तो और कॉम्बो पैक में हम यहाँ पर जूस विद मैगी, तो बाकी स्टॉल्स हैं बर्गर, पिज्जा एंड एवरीथिंग। तो आप थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि आपने देखा, ये आपने तस्वीर देखी थी मैगी के स्टॉल्स है, हम आपको और भी स्टॉल्स की तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। काफी ज्यादा स्टॉल्स जो यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो गेम्स के हों, चाहे वो बच्चों के मनोरंजन के लिए हों, बहुत कुछ आज यहाँ पर स्पेशल रहने वाले, जिसकी हम तस्वीरें आपको आगे भी दिखाएंगे। तस्वीरों में दिखाया अपोलो इंटरनेशनल स्कूल का जो एनुअल फेट यहाँ पर आज था, किस तरह से वहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स लगे जहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा एंजॉयमेंट रही इसमें, वही कुछ बच्चे इस समय हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं, उनसे खुद जानेंगे कैसा उनका एक्सपीरियंस था। बच्चे, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कैसा आपको लग रहा है आपके स्कूल में इतना बड़ा आज इवेंट एक हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, एंड इट्स रियली डिफरेंट एंड नाइस, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट ईयर एंड दिस माय न्यू एडमिशन, इट्स रियली ऑसम एंड या थैंक यू। जी बच्चे, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों को, कैसा आपको लग रहा है, क्या कुछ आज यहाँ पर रहा? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, यहाँ पे तरह डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स हैं एंड विल एंजॉय। तो जैसे कि आपने देखा कई डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में भी दिखाया, चाहे हम गेम्स के स्टॉल्स की बात करें, चाहे डांस के लिए बात करें, चाहे खाने की चीजों की बात करें, काफी ज्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम टीचर्स की बात करें, टीचर्स ने खुद यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए, यहाँ पर टीचर्स साथ में उनके इन्वॉल्व हुई है, तो काफी ज्यादा एक अच्छा यहाँ पर आज सक्सेसफुल इवेंट रहा जो कि अपोलो इंटरनेशनल स्कूल का आज एनुअल फेट था। कुछ और तस्वीरें हम आपको उसकी भी आगे दिखाएंगे और इस पूरे इवेंट को। बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस था। तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे करनाल के लोगों से, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एनुअल फेट का? मुझे फेट बहुत अच्छी लगी, जैसे हम यहाँ पे एंटर किया तो जैसा माहौल था, जैसी डेकोरेशन थी हमें बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे गेम्स, खाने का, फन एंड गेम्स सब कुछ हम यहाँ पे बहुत अच्छा था, डेकोरेशन अच्छी है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया यहाँ पे आने का। जी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसा आपका एक्सपीरियंस था? थीम बहुत अच्छी थी यहाँ की, जैसे मैंने यहाँ पर देखा सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल बहुत अच्छा था। तो जैसा कि आपने देखा जिन भी बच्चों ने आज यहाँ पर इस एनुअल फेट में पहुंचे, जो बच्चे आज, उन सभी को जो अपना एक्सपीरियंस था काफी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि जितनी यहाँ पर गेम्स है बच्चों के लिए, जितने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए, जितने खाने की चीजों में वैरायटी मिल रही है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस सभी स्टूडेंट्स के लिए रहा, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा एक सक्सेसफुल इवेंट रहा है अपोलो इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल फेट, जिसमें बढ़ चढ़ कर सभी टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इन्वॉल्व हुए और बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छे से स्टॉल्स लगाए। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। गुड
गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड आई वुड लाइक टू विश यू इन एडवांस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Welcome to Apollo International School. This is a group of schools which is catering in field of education since last 50 years. And this is a new venture which is there in the chain of Apollo International Schools. This school is at par, giving you the best excellent education, sports facilities, training, achievements. Everything you're going to get at one place, which you get at par at metro cities. We not only cater only for learning, we don't make them learn, we make them understand, and that education is far better than what you feed in. At here we provide learning by doing activities. In pre-primary we give more focus on communication skills. Here you are going to get the best sports facilities also. We have got all different trained coaches for all the speeds, as far as lawn tennis, basketball, this is athletics, boxing, many fields of sports which you're going to have here at one sports. And we are trying, and in all Apollo International Schools in RPS, our students have excelled in national and international games as yet. Apollo School started this year in April 2018, and the main objective of the management, the organization, is to provide the best of facilities to the students of Karnal. And you will be happy to know that the sports facilities are excellent, keeping in view the best standards in the country, and organizing a lot of activities and laying stress on academics also. So far as this FATE is concerned, we wanted the students to have and staff to have a sort of fun here and to enjoy. And they are all managing, the students, staff, they are all managing the stalls, the games. And we expect a large number of parents of Karnal to come and see the organizations, the different activities which are being done by the students of Apollo. Thank you.